आपको टाटा पंच में चेंज मिलता है, पंच में ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, तो ये चेंज करना डेफिनेटली बनता है। बेस मॉडल से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो फुली डिजिटल दे दिया गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में है टाटा की एक बहुत ही प्यारी गाड़ी, टाटा पंच। यार ये गाड़ी तो मुझे तो बहुत प्यारी लगती है क्योंकि ये मेरी पहली सेल्फ ओन्ड कार थी। बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आज हम इस गाड़ी के बारे में बात करने वाली है। ये टाटा पंच का बेस वेरियंट है, ये वो पंच है जो आपको 6,13,000 रुपये में मिल जाती है। मतलब यार बहुत सारे लोगों का ना बजट होता है 6 से 7 लाख रुपए, और उसमें लोग चाहते हैं कि सेफ्टी भी मिले और उसके ऊपर से ना थोड़ी एसयूवी वाली लुक्स भी मिल जाए। तो मेरे हिसाब से उन सभी लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी लुक्स के साथ में आती है। और आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और 6,13,000 में टाटा क्या ऑफर कर रहा है, आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलो फिर बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। ये पंच का ना बेस वेरियंट है प्योर, इसके ऊपर पैक्स वगैरह भी आते हैं जैसे रिदम पैक आता है, ये उससे भी नीचे, मतलब बिल्कुल बेस वेरियंट प्योर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस वेरियंट में आपको DRL वगैरह कुछ नहीं मिलती, यहाँ पे आपको एक हेलोजन बल्ब मिलता है और यहाँ पे आपको इंडिकेटर की यूनिट मिलती है, देख सकते हो यहाँ भी आपको एक बल्ब दिया गया है। अब अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे ना तो आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल दी गई है, जिसके ऊपर आपको ट्रायरो कटआउट मिल जाते हैं, 3 ट्रायरोज है यहाँ पे, जिसके पीछे से हॉर्न झलक रहा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। अब अगर आप देखोगे ना तो टाटा का लोगो थोड़ा चेंज हो गया है, पहले क्या होता था वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता था, बट यहाँ पे ये आपको इवन सरफेस में मिलेगा, थोड़ा सा चेंज है लुक में और ये देखने में ना प्रीमियम लग रहा है। देन अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट दी गई है, लो बीम और हाई बीम आपको इसी के अंदर मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे एडजस्ट होती हुई। और ये देखो यहाँ पे आपको एयर डैम्स दिए गए हैं ताकि एरोडायनेमिक्स इंप्रूव किए जा सके। और इस वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर कटआउट दिया गया है, आप बहुत ही इजीली इसको यहाँ पे से हटा के ना फॉग लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हो आफ्टर मार्केट। मैंने तो आपको सब कुछ करके दिखाया ही था, या फिर आप कंपनी से भी इंस्टॉल करवा सकते हो। और बाकी अगर आप इसका फ्रंट बम्पर देखेंगे तो रफ ब्लैक फिनिश में आपको दिया गया, एक रगेड सी फिनिश ऐड करके देता है। देन नीचे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको ट्रायरो पैटर्न मिलता है, यहाँ पे भी ट्रायरो पैटर्न मिलता है। यार लुक्स की बात करूँ ना, जेन्युइनली बताऊँ, मुझे लगता है इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुक्स ना पंच की है, और मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बंदा ऐसा होगा जिसको इसकी लुक्स अच्छी ना लगे। अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना आपको 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में आपको व्हील कैप्स वगैरह, अलॉय व्हील्स कुछ नहीं मिलते हैं। सेंटर में बस यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। अपोलो के टायर्स दिए गए हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 185/70R15 का यहाँ पे आपको टायर सेक्शन मिल जाता है। और पंच में ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बेस मॉडल में भी आपको फेंडर पर इंडिकेटर नहीं मिलता है, इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है ORVM पे। यार मैंने क्रेटा का बेस वेरियंट परचेज किया है, उसमें भी आपको फेंडर पर इंडिकेटर मिलते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑड लगती है। हालांकि अगर आप एल्ट्रोस में देखोगे तो वो यहाँ पे ही मिलता है आपको, वहाँ पे इंप्रूवमेंट की डेफिनेटली जरूरत है, बट इसमें नहीं मिलता ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है वो। देन यहाँ पे इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं, ये देखोगे तो आपको जो ORVM दिया गया है ये आपको रफ ब्लैक फिनिश में ही मिलता है, और जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलते, ये भी आपको मैट ब्लैक रफ ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। नीचे देख सकते हो आपको रफ ब्लैक कलर की काफी ब्रॉड चंकी सी क्लैडिंग ऑफर की गई है। पंच में एक और चीज़ बढ़िया लगती है मुझे, यहाँ पे आपको 90 डिग्री तक डोर ओपनिंग मिल जाती है। बाय द वे इसका डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये देख सकते हो, जिससे एंट्री और एग्जिट काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। अगर कोई बंदा थोड़ा सा हेल्दी है या ओल्ड एज पर्सन है तो बैठना और उतरना यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है ये। और इसमें ना आपको 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि गाड़ी लगेगी या नीचे से हिट हो रही है, बहुत सही रहती है ये। रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे एंटीना वगैरह कुछ नहीं मिलता, देख सकते हो एम्प्टी प्लेस है ये। यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, तीनों ही चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे ना राइनो एंग्रेव्ड है। टाटा की हर एक गाड़ी में आपको कोई ना कोई एनिमल कहीं ना कहीं पे एंग्रेव डेफिनेटली दिखेगा। देन यहाँ पे देख सकते हो जो टाटा का लोगो है ना उसको यहाँ पीछे भी चेंज कर दिया गया है, नीचे आपको यहाँ पंच के इनिशियल्स मिल जाते हैं। देन यहाँ पे अगर आप इसके टेल लैंप्स देखेंगे तो ये भी हेलोजन है, और यहाँ पे जो रियर इंडिकेटर यूनिट दी गई है ये भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स देख सकते हो यहाँ पे, जिसके पास में आपको यहाँ ट्रायरो पैटर्न मिल जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो आपको एक रिवर्स लाइट मिलती है और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, बाकी तो सब ठीक है, बट रिवर्स पार्किंग सेंसर से थोड़ी शिकायत है कि 4 होने चाहिए यहाँ पे। बाकी बूट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे। इसमें आपको 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, दोनों साइड पे आपको हुक्स मिल जाते हैं। पहले बेस वेरिएंट में आपको पार्शियल ट्रे मिलती थी, अभी फिलहाल तो यहाँ पे नहीं रखी हुई है, तो पता नहीं इसके साथ आती है अभी या नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक पंचर रिपेयर किट भी होती थी, वो भी मुझे यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही फिलहाल। बाकी अगर आप स्पेयर व्हील देखोगे तो आपको सेम ही साइज़ का सेम ही टायर देखने को मिलता है। अब अगर आप इसका डोर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में डोर मिलता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे व्हाइट ट्रायरो पैटर्न के साथ में फिनिश देखने को मिलती है, जो कि प्लास्टिक है, दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर ट्रायरो पैटर्न एंग्रेव्ड है। दो आपको यहाँ पे पावर
विंडोज मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। डोर हैंडल अगर आप देखोगे तो ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ट्विटर और स्पीकर जो है उसकी यहाँ पे आपको जगह दी गई है, लेकिन ये बिल्कुल एम्प्टी है, हॉलो है। और नीचे यहाँ देख सकते हो आपको बोतल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाती है। और एक चीज़ है यार, यहाँ पे ना आपको ORVM एडजस्ट करने के लिए कोई डूडल वगैरह नहीं मिलता। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे एटलीस्ट एक डूडल देना चाहिए, क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं रहता इस तरह से एडजस्ट करना, वो प्रॉपरली एडजस्ट भी नहीं होता है। तो मैं पंच के कैबिन में आके बैठ गई हूँ। यहाँ पे आपको टाटा पंच में चेंज मिलता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। पहले आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, जिसमें आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। ये भी चेंज है, पहले अलग आता था, पहले थोड़ा सा ना एंग्रेव टाइप था, थोड़ा उठा हुआ था, ये बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको बाहर भी दिखाया। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं। और इसका जो ये हॉर्न की प्लेसमेंट है ना, बहुत सही है, मतलब आराम से हाथ बैठ जाता है यहाँ पे, बहुत कन्वीनियंट चीज है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, इसमें आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, डीकट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। स्टीयरिंग व्हील का जो डिजाइन है बड़ा स्पोर्टी दिया गया आपको। देन लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स के लिए बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ऑटो ऑफ का बटन मिल जाता है। बाकी ये सारे बटन ऐसे ही हॉलो है, सिर्फ कवर कर रखे हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिलती है जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हैं। चेंज है ना वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये देख सकते हो। बेस मॉडल से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो फुली डिजिटल दे दिया गया है, पहले ऐसा नहीं आता था। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको गाड़ी में कितना फ्यूल है दिख रहा होगा, ऊपर यहाँ पे इंजन टेम्परेचर शो कर रहा है। सेंटर में आपको डिजिटल स्पीड मिल जाती है, नीचे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिख रही होगी, और यहाँ पे आपको एवरेज नजर आ रही होगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो ट्रिप वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। अब एक चीज है, इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दोनों साइड में डूडल दिए गए हैं। यार ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना पहले वाले से ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है देखने में। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, यहाँ पे आपको की ट्रे मिल जाती है। हालांकि बेस वेरिएंट में चाबी आपको यहीं पे लगानी है, बट टॉप वेरिएंट में जैसे आपको पता है सेंटर लॉक के साथ में की आती है, तो यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप सीट्स देखोगे तो ब्लैक में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है, और बिल्कुल प्लेन से डिजाइन में है। यहाँ पे आपको साइड सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड आपको ऊपर पूरा प्लास्टिक में मिलता है, यहाँ पे एक ब्रश सी फिनिश दी गई है आपको, काफी एलिगेंट लगती है देखने में। और नीचे जैसे मैंने आपको डोर पे दिखाया था, ट्रायरो पैटर्न के साथ में पूरा व्हाइट में मिलता है ये, और ये ना टेक्सचर में है। देन अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैबलेट होल्डर मिलता है, और अच्छे खासे स्टोरेज स्पेस के साथ में इसका ग्लव बॉक्स आता है। बट एक चीज है, ये ना सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में नहीं आता, एल्ट्रोज में ना आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ग्लव बॉक्स मिलता है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो ये वाला प्लेस पूरा एम्प्टी है, इसमें आपको स्टीरियो वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अब इसमें इससे ऊपर रिदम पैक आता है, उसमें आपको एक छोटे साइज का स्टीरियो मिल जाता है, बट अगर आपको वो छोटा साइज का स्टीरियो पसंद नहीं आता तो आप बहुत ही इजीली आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। देन यहाँ एसी वेंट्स के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का स्विच मिलता है। देन एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, देख सकते हो, देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेंगे कि मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं। आपको टिपिकल सी 1, 2, 3, 4 वाली नोब नहीं दी गई है। फैन स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, सारे बटन कंट्रोल मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। नीचे यहाँ पे भी आपको थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और ये वाला एरिया पूरा कवर्ड है। बाकी 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स आ जाता है, जिसके सराउंड में आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। देन यहाँ पे अगर आप इसका सनशेड देखोगे तो ड्राइवर साइड आपको सनशेड के ऊपर एक टिकट होल्डर मिल जाता है। को ड्राइवर साइड अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, बिल्कुल खाली दिया गया आपको। देन यहाँ सेंटर में आपको एक कैबिन लाइट दी गई है जो कि हेलोजन है, और ये डोर से एडजस्ट होती है, तो ये मेरे हिसाब से ना चेंज करना चाहिए, क्योंकि एट टाइम्स काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है ये ना, मतलब मर्जी की मालकिन है, एक तो हेलोजन है, ऊपर से बहुत इरिटेट करती है ये। देन यहाँ पे अगर आप इसके ORVM का साइज देखोगे तो छोटा साइज लगता है मुझे, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बाकी डे एंड नाइट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अभी मैं इसके रियर कैबिन में आके बैठ गई हूँ, मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से ड्राइवर साइड सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया है। नीरूम यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा नीरूम मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है, हेडरूम अगर आप देखोगे तो अच्छा है, रिक्लाइन एंगल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और एक चीज जो मुझे सबसे वियर्ड लगती है, हेलीकॉप्टर, आई थिंक आज के टाइम में इसको परमानेंटली गाड़ियों से डिलीट कर देना चाहिए। मतलब एक पावर विंडो देने में शायद इतना भी कुछ एक्सपेंस नहीं होता, तो ये चेंज करना डेफिनेटली बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मैप पॉकेट वगैरह कुछ नहीं मिलती। 3 लोगों के बैठने के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है अगर थोड़े स्लिम बिल्ड के 3 लोग होंगे तो आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटर वाला फ्लोर है वो भी बिल्कुल फ्लैट सा ऑलमोस्ट, तो पैर रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, एडजस्टेबल नहीं है, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता, और एसी तो इसमें वैसे भी नहीं आता। हाँ एसी नहीं मिलता, लेकिन ये देख सकते हो यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस आपको डेफिनेटली दी गई है। बाकी यार मेरे हिसाब से आप ना यहाँ पे आराम से बैठ के लॉन्ग जर्नीज भी अगर 2 लोग बैठते हो तो बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कमी मुझे छोटी सी और भी लगी कि पूरे कैबिन में सिर्फ एक ही लाइट मिलती है, जो आगे मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे एक कैबिन लाइट और होनी चाहिए। अब अगर इसकी की देखोगे तो बिल्कुल बेसिक की मिलती है आपको, बिल्कुल प्लेन चाबी है जिसके ऊपर टाटा का लोगो मिल जाता है, ये विदाउट रिमोट सेंटर लॉकिंग की आती है। यार एक चीज बताऊं आपको, अगर आप टाटा पंच का ये बेस वेरिएंट परचेस करते हो ना तो 2-4 छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन करा के आप इसको आराम से फैमिली कार की तरह यूज कर सकते हो, और बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हो।
सकते हो, जैसे हो गया स्टीरियो, स्पीकर, सेंटर लॉकिंग। ये बेसिक छोटे छोटे काम है जो आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा लो, या आपको शोरूम से काम कराना पसंद है तो आप शोरूम से भी करवा सकते हो। इस गाड़ी को रखने के ना तीन आपको मेन बेनिफिट बताती हूँ। सबसे पहले तो ये बजट में फॉल करती है, 6.13 लाख में आपको एक शोरूम में आराम से मिल जाती है। दूसरी चीज ये है कि बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको। तीसरी चीज यार एसयूवी वाली फील देती है। ऑफकोर्स ये एसयूवी नहीं है, बट हाँ एसयूवी फील आपको डेफिनेटली आने वाली है इस गाड़ी से। तो आप लोगों को कैसी लगती है टाटा पंच कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती होगी अगली वीडियो में। बाय बाय।